प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच एक बार फिर नतमस्तक हैं। हरियाणा के भाजपा सरकार एक बार फिर प्रदेश में परचम लहराने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच आशीर्वाद लेने निकले हैं। चुनावी रथ में कालका से शुरू होकर पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने निकले हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाडवा में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं लाडवा के कस्बा बैवन सहित विधानसभा शाहबाद मरकंडा में भी राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बनता था। ढोल नगाड़ा था आपके साथ, फूलों की वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर खूब गदगद हो रहे थे। जन आशीर्वाद यात्रा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ प्रदेश में करवाए गए विकास कार्यों का खूब व्याख्यान हो रहा था। आज आप सभी के बीच में जन आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जिस प्रकार से शाहबाद की एक एक समस्या का निदान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी हुए हैं, ऐसे विकास पुरुष दीनहीन के ममता और सहयोग करने वाले महापुरुष का मार्कंडेय ऋषि की धरती पर सभी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरी माता बहनों से निवेदन है, एक बार जोरदार खड़े होकर आप भी ताली बजाने का काम करें और मुख्यमंत्री जी को दोनों हाथ खड़े करके अपना आशीर्वाद देने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बीच में और लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ के किसान की आपने सुध ली है। यहाँ के आलू प्याज और टमाटर गोभी का जो खेती करने वाला किसान है उसकी सुध ली है। गन्ने के खेती करने वाले किसान की आपने सुध ली है। ये इलाका आपका ऋणी है और ये ऋण उतारने का लगातार काम करता रहेगा। आज आप सभी के दर्शन करने के लिए लोग बड़े बेचैन थे, आप इनके बीच में आए हैं। आपके आशीर्वाद और कृपा से जो जो मेरी जिम्मेवारियां इन लोगों ने आप तक पहुंचाने की लगाई, मैं प्रयास करता रहा और आपका साथ हमेशा मेरे सिर पर रहा। इस इलाके की सेवा करने में मैं सफल रहा। आपका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी इन सभी लोगों से ये मेरे प्रदेश। न्यूज़ अर्पण 24 टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।